राजधानी भोपाल में कांग्रेस के प्रवक्ता शहरयार खान ने बताया, कोरोना का ग्राफ यहां पर कभी भी खत्म नहीं हुआ, लगातार यहां पर केस आते रहे हैं और सरकार अपने उपचुनाव की व्यवस्थाओं के कारण मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की अनदेखी करते रहे हैं। अब जो लगातार केस बढ़े हैं वे सौर इशारा कर रहे हैं कि रात का कर्फ्यू लगाया जाए। संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज से फिर 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 8 महीने ये सरकार की उदासीनता है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कभी भी ख़त्म होने की तरफ नहीं दिखा रहा, निरंतर यहाँ पर केस आते रहे हैं और सरकार अपनी उपचुनाव की व्यवस्था के कारण मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की अनदेखी करते रहे। अब जो लगातार केस बढ़ रहे हैं वो इसे और इशारा कर रहे हैं कि ये जो रात में कर्फ्यू लगाया जा रहा है और अभी जो स्कूल कॉलेज खुलने की टाइम था जो सरकार ने 30 नवंबर बोला था, अब उसको भी डिनाई कर गए हैं कि अभी नहीं खुलेंगे। तो इससे साफ है और जो आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ जो गंभीर स्थिति में पहुँच गया है, ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है। भाजपा सरकार ने अपने चुनाव करवा लिए, अपने सारे कार्यक्रम कर लिए, ऐसा नहीं लगता कि दूसरों के लिए कोरोना के लिए ये कर्फ्यू लगाया जा रहा है? भाजपा सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, वो अपने हिसाब से देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जब देश में कोरोना की शुरुआत थी तब भी केंद्र सरकार ट्रंप को लेके बड़ा आयोजन करा, जिसकी वजह से देश में इंटरनेशनल एग्जिट खुला रहा और यहाँ पर लोग आते रहे, और दूसरा अब सरकार वही पैमाने पे है, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ कोरोना का ग्राफ गिर जाता है और चुनाव के बाद जैसे कि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में वहाँ ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया। अभी ये कोरोना, अब जो आगामी बंगाल चुनाव है वहाँ पर केंद्र सरकार का फोकस है, वहाँ आप देखेंगे बराबर सरकार की तरफ से और पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं और वहाँ पर कोरोना गिरता जाएगा। लेकिन दूसरे प्रदेशों में जिसमें मध्य प्रदेश भी, यहाँ पर निश्चित ही अब चुनाव हो गए हैं, अब सरकार को यहाँ पर गंभीर कोरोना की स्थिति दिख रही है जिससे कि आम लोगों का जनजीवन असामान्य हो गया।